पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पाड़ तैचे चाकी भली जो पीस खाए संसार। हम क्या करते हैं, उन पत्थरों की पूजा करते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलना। तो हमारे जो संत हैं, जो रैम्बर हैं, जिन्होंने आज तक जो है मानवता की जो फाइट की है, उन्होंने कहा इससे अच्छी तो जो आटा पीसते हैं ना, चक्की की पूजा कर लो, वो कम से कम तुम्हें आटा तो खिलाती है। कि हम कुछ गांव के अंदर भी गए, और मैं उन बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूं जो चौपालों में, अंबेडकर चौपालों में ताश खेल रहे थे, लेकिन समाज के लिए वो उठे तक भी नहीं। और हम गए, बड़ी मुश्किल से उनको हैंडबिल दिया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो समाज में जाते हैं तो वो ताश तक नहीं छोड़ पाते, कि उसमें बाबा साहब का कितना बड़ा आंदोलन हम घर घर ले जाने का काम करते हो, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अम्बेडकर चौपालों में ताश खेलना। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी अगर ऐसे लापरवाह होते तो मुझे नहीं लगता इस समाज की आज जो विकसित जो हुआ है, आरक्षण से हुआ है, जो नौकरियों से हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाता। और हम काफ़ी गांव में गए, वहां पर रविदास जी का फोटो होता है और उसी के नीचे खेलते हैं जी ताश। मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्यों, गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा कटौती में गंगा। और हमारा मन कैसा है कि हम जब नौकरी पर थे तो समाज के लिए टाइम नहीं था, और जब रिटायर हुए तो हम उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, जिसने एक एक चीज उन मनुवादियों की ईंट से ईंट हिला दी, हम उनके स्थलों पे शिक्षा तो दूर, हम वहां पर ताश और जुआ और दारू पीते हैं। ये हमारे लिए, वो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं। उन स्थलों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने गांव-गांव जाकर, साइकिलों पे जाकर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाकर आप लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन हमारे लोगों ने अपने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत इस समाज के चेहरे पे खुशी लाने के लिए की है। तो तथागत बुद्ध, आपने देखा होगा सामने पोस्टर है, तथागत बुद्ध ने कहा था अप दीप भव, मतलब अपना दीपक अपने अंदर स्वयं जलाओ, लेकिन हम नहीं करते। दूसरा है रैदास का, गुरु रविदास ने कहा था ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। कितनी बड़ी बात है। उस दिन फिर उन्होंने कही तू भी चाम का मैं भी चाम का, कौन चाम से न्यारा सकल चमारा। उन्होंने कहा चमार किसी जाति का नाम ले लिया, उन्होंने गुरुजी ने कहा है कि चमार हार्ड मास के पूरे जीव जंतु इंसान सब उसी से बने हुए, सकल चमारा, धरती पर जितने जीव जंतु मानो सब क्या है चमारा। उन्होंने ऐसी वाणी कही। फिर आए कबीर साहब जी, कबीर साहब जी ने क्या कहा, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पाड़ तैचे चाकी भली जो पीस खाए संसार। हम क्या करते हैं, उन पत्थरों की पूजा करते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलना। तो हमारे जो संत हैं, जो रैम्बर हैं, जिन्होंने आज तक जो है मानवता की जो फाइट की है, उन्होंने कहा इससे अच्छी तो जो आटा पीसते हैं ना, चक्की की पूजा कर लो, वो कम से कम तुम्हें आटा तो खिलाती है। महापुरुषों की वाणी बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा है। फिर आता है ज्योतिबा फूले, आपको पता है ज्योतिबा फूले ओबीसी थे और सावित्रीबाई फूले उनकी वाइफ थी, पत्नी थी। इस देश के अंदर सबसे पहला जो स्कूल खोला था वो किसने खोला था, माता सावित्रीबाई फूले ने और ज्योतिबा फूले ने, दोनों ने इतनी मेहनत की, जिनको स्कूलों में नहीं घुसने दिया करते उन लोगों के लिए पहला जो स्कूल खोला था वो माता सावित्रीबाई फूले ने। तो हमारे घर घर माता सावित्रीबाई फूले का फोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं है, ये हमारी हमारी गलती है। हम अपने महापुरुषों की इस आंदोलन को खुद रेत घेरने में लगे हुए हैं, दूसरों की तो हम क्या बात करें।
फिर आता है सामने फोटो देखो, साहू जी महाराज, साहू जी महाराज सबसे पहले जो आरक्षण की जो नींव रखी थी वो साहू जी महाराज ने रखी थी अपने विरासत में, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो नौकरी दी थी तो सबसे पहले जो आरक्षण के जो उत्पत्ति की थी वो साहू जी महाराज ने की थी। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। और ऐसे यहाँ महापुरुष देखो, बिरसा मुंडा, आप अगर झारखंड में जाओगे, आप अगर झारखंड में जाओगे वहां के लोग आदिवासी, वहां का मुख्यमंत्री भी आदिवासी, वहां का झारखंड के जो आदिवासी हैं वो हमारे यहाँ के लोगों से हजार गुना ज्यादा जागरूक हैं। वो कहते हैं बिरसा मुंडा अंबेडकर, बिरसा मुंडा अंबेडकर वो कहां से आगरा तक जो है 50,000 आदिवासी वहां से आए वैसे ही बिना व्हीकल के पैदल, और जो सरकार ने उनकी मांग मांग कर आगरा से उनको वापस कर दिया। इन हमसे अच्छे तो वो आदिवासी भी हैं। और बिरसा मुंडा की ज्यादा एज नहीं थी, 22-23 साल के युवा थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतने आंदोलन किए और अंग्रेजों ने 23 साल की मात्र उम्र में उनकी हत्या करा दी। फिर आते हैं उद्धम सिंह, जलियावाला बाग में, जलियावाला बाग में जितने भी लोगों की हत्या हुई जनरल डायर ने जो ऑर्डर दिया था सब हमारे लोग थे, SC ST के लोग थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पेन उद्धम सिंह को हुआ, और उद्धम सिंह ने जाके इंग्लैंड के अंदर जो है जनरल डायर को उसी की कोर्ट में गोली मारी। ऐसे के हम जो है हमारे समाज से ऐसे लोग जो हुए जो पैदा हुए, आपको ये बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। फिर दूसरा बाबा साहब अंबेडकर, अगर बाबा साहब अंबेडकर रविदास को ना मानते, कबीर साहब को ना मानते, ज्योतिबा फूले को ना मानते, तो हो सकता है कि आपको संविधान में वो राइट भी नहीं देते। क्यों? उन्होंने अपने समाज के लोगों को, जो बहुजन मूवमेंट के लोग थे, जो इस मिशन को आगे लेकर जा रहे थे, उनको आदर्श मान के इस देश के अंदर उन लोगों के लिए फाइट किया जिनको उस समय जरूरत थी। तो जब उन्होंने समझा तो ये काम संविधान में किया। तो मैं आपके सामने यही मैं कहता हूँ, पूरी भारी दिल्ली के जितने गांव थे, पहले जो नौकरियां थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन आज की जो नौकरियां हैं ज़्यादातर हमारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां करते हैं, कहीं से 10-20 हज़ार रुपये ब्याज पर पैसे लिए जाते हैं, और वे ही लोग हमारे बच्चे की हत्या करते हैं। तो हम खुद हंसते हैं अपने बच्चे के ऊपर, हम खुद हंसते हैं और ये समस्या नहीं देखते। समस्या क्यों पैदा हुई? ये समस्या इसलिए पैदा हुई कि हमने अपने बाप दादाओं की बात नहीं मानी, हमने अपने बाप दादाओं की बात नहीं मानी। अपने फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा अपने बाप की बात नहीं मानता तो उस बच्चे की क्या हालत होती है आपको भी पता होगा। तो मैं आप लोगों से ये अपील मैं करता हूँ कि संपूर्ण एकता मिशन जो कंझावले में कभी रैलियां करती थी, कंझावले चौक पर कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंतियां करती थी, कभी काशीराम साहब की करती थी, कभी रैदास की करती थी, कभी कबीर की करती थी, इनका जो है मुख्यतः उद्देश्य था कि अच्छी विचारधारा घर घर जाए, और वो माँ जो रात के 12-12 बजे तक अपने बच्चों का इंतजार करती है कि दारू पी का आएगा या कैसे आएगा या जिंदा आएगा या मर के आएगा, वो विचारधारा उसके अंदर चली जाए तो दारू जुआ अपने आप खत्म। और जब हमारा मानसिक विकास होगा तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा, जब सामाजिक विकास भी होगा तो राजनीतिक विकास भी होगा। और माननीय काशीराम साहब ने जैसे घर घर जाकर बहुजन समाज को जगाने का काम जो किया था, समाज को जगाने का काम किया था, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को इस बात की जो तालियां भी बजानी चाहिए कि अब भारी दिल्ली का युवा खड़ा हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमारा युवा जो है इस मिशन में इतना मजबूती के साथ, इतना ताकत के साथ काम कर रहा है कि जिन लोगों ने हमें कमजोर बनाया है उन लोगों की नींव, उनकी जो जड़, उनकी जड़ अगर कोई पाड़ने का काम करेगा वो अंबेडकर वाद करेगा, रविदास वाद करेगा, कबीर साहब वाद करेगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था, डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, जब संस्कार डूबते हैं तो परिवार डूब जाते हैं, समाज डूब जाता है, गांव डूब जाते हैं, देश डूब जाता है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे
बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, इन विचारों के साथ जुड़ें। और जो जुड़ना चाहता है वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम उसके घर तक भी जाएंगे, गांव तक जाएंगे, कलोन तक। और आने वाले 2027 तक हमारा ये लक्ष्य है, 2027 तक पूरी भारी दिल्ली को लीला ही लीला कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आप लोगों का सहयोग, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? दीवे से दीवा जलता है। ज्ञान का जो है, अगर अंधेरे, अंधेरे का मतलब होता है ज्ञान था, उजाले का मतलब होता है ज्ञान। जब उजाला दूसरे के घर में अंधेरा होगा, जब वो जाएगा तो पूरी भारी दिल्ली में अंबेडकरवाद स्थापित होगा, और जो आप चाहते हो वो सब कुछ होगा। और इसी बात के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्यों आपका सम्मान भी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ भी यहाँ पर आ रखी हैं। और मैं फिर आपसे करता हूँ, जो इस मिशन में जुड़ना चाहता है, बाहर जो बैठे हुए हैं उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, उनको गाँव का नाम दे दें, और इस मिशन में ताकत के साथ जुड़ें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए और आपने जैसे हेल्प की है, और इस हेल्प के कारण ये मिशन जो खाना भी वहाँ पर रेडी है, आप लोग सब खाना खा के जाएंगे। और इस मिशन को आसमान में पहुँचाने के लिए आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब ये मिशन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आए हुए सभी गाँव के और सभी दूर दूर के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसी की स्पीच रह गई हो, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो हमसे गलती हो, ये तो